अपना चैनल चलाना है। रात को मोहित जी लेके आए मेरे को डेट पे है ना मोहित जी। काम करें रात के बज चुके हैं 9 और हम लोग आए हैं मार्केट में। 2 बज गए और क्या, हम लोग आए हैं डेट पे लॉन्ग ड्राइव, कम से कम 17-18 किलोमीटर। वैन आया अच्छा यहाँ पे हो रहा है ये जागरण, पंडाल लगा हुआ है मार्केट ही रोड पे ही लगा रखा है, काफी बड़ा लगा रखा है यार। इसका मतलब भीड़ हो सकती है इतनी बड़ी जितना बड़ा इन्होंने लगाया है। बड़ा नहीं है, लंबाई में। हाँ लंबाई में। अब हम देखते हैं यहाँ पे हम क्या खाएंगे। आज हम लोग बाहरी डिनर करने आए हैं। इसका खाले छड़े उठ गए। सबसे बेकार चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिलता कहीं भी। देखो वहीं से आगे मंडी के पास से वहां नहीं देखी वो दुकान। यहाँ पे ठेली बेली पे अच्छा खाना मिल जाता है। रेस्टोरेंट वाला भी बंद हो गया होगा। रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ बेकार मिलता है क्योंकि बासी होता, कोई कोई आता कभी कभी आता, हमारा मन नहीं करता वहाँ जाने। ठेली पे ये होता है ताजा होता है। और मिर्च, मिर्च तो होती ही है खाने में बहुत ज्यादा, मुंह में डालती है अलग दिखता बासी है। अद्वित सो गया है, अरे मैं इसके अद्वित को खाना मैंने खिला दिया था। हेलो, मैं एक चपाती बना के लाई थी। हाँ जी यहाँ पे भी लिखा हुआ वेज पैलेस, इसके नीचे भी। अद्वित मेरा बेटा सो गया है, इसके लिए मैं लाई थी टिफिन में पैक करके एक चपाती बना के, मैंने इसको चपाती खिला दी थी रस्ते में। सुलाता है, मेरे को पता था क्योंकि आज ये दिन में नहीं सोया था, दिन में मैंने इसकी पढ़ाई वढ़ाई सब। आज वेडनेसडे है, हंगरी पॉइंट पे वो होगा ऑफर। आज वेडनेसडे, हाँ वेडनेसडे आज। चलो फिर हंगरी पॉइंट चल लो। पिज्जा कौन खाएगा अब रात को? कद खवाऊं तेरे पिज्जा? अभी को तक खा लेता तब। चलो पापा जी, चलो 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 पिज्जा। हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, अब हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बाय बाय, आज के व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय, तेरे इंतजार में। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, कितनी गंदी लगी। मेरी कमर। बाय बाय। मोहित जी उतर गए हैं। यहाँ पे ना ठेली वाले बहुत अच्छा मतलब सब कुछ देते हैं बना के, मतलब एक ठेली पे रखते हैं वो स्वीट्स, एक ठेली पे रखते हैं ये गोलगप्पे टिक्की और डोसा ये सब रखते हैं, और एक ठेली पे रखते हैं, एक ठेली पे रखते हैं चाउमीन मोमोज और भी कुछ है क्या, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने यही दिया ध्यान। 3-4 ठेली हैं और लगातार लाइन में लगाते हैं, वो ठेली भी इतनी ज़बरदस्त है इनकी बहुत ज़्यादा, मतलब लाइट वाइट कैमरा वैमरा सब लगा रखी है। अभी मैं उतरता आप लोगों को दिखाती, लेकिन अद्वित सो रहा है मेरी गोद में, फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे कभी फिर दिखाऊंगी। हम तब भी आते हैं विकास नगर, 2 जगह या 3 जगह ही खाते हैं। एक तो यहाँ पे फेमस है हॉस्पिटल के पास है वो छोले भटूरे, जब हमें छोले भटूरे खाने होते हैं तो हम उसी के पास जाते हैं। और फिर एक यहाँ पे रात शाम के टाइम लगती है ये ठेलियाँ 5 बजे के बाद, तो 5 बजे के बाद अगर हम आते हैं तो हम यहीं इन ठेलियों पे ही खाते हैं। बड़ा टेस्टी मतलब बनाते हैं ये जो भी लेते हैं हम इनसे। और अगर हम दिन में आते हैं तो दिन में खाते हैं हम बीकानेर के यहाँ, क्योंकि बाकी यहाँ पे मेरे को अच्छा नहीं लगा, चाहे किसी को भी अच्छा लगता होगा लेकिन मेरे को कहीं भी अच्छा नहीं लगा, सिर्फ मेरे को बीकानेर के यहाँ और वहाँ छोले भटूरे वाले के यहाँ या ठेली के पास में इन्हीं का खाना अच्छा लगता है, चाहे फास्ट फूड हुआ या चपाती। तो हम यहाँ नहीं खा रहे चपाती, तो वहाँ पे ही हमारे उधर ही है एक, वो भी छोटा सा रेस्टोरेंट है उसी में ही खाते हैं।
ताजा मिलता है वहाँ पे, डेली बनता है, इतना पूरा दिन चलता रहता है, मतलब भीड़ इतनी होती है बहुत ज्यादा। अगर आप लोग कहीं भी पहाड़ की तरफ जाते हो तो सबसे अच्छा ठेली का खाना होता है, क्योंकि ठेली का खाना ना ताजा होता है। दबा देती हमारे लिए आ गया डोसा, हम लोग खा रहे हैं डोसा, मीठे में खा रहे हैं हम लोग। रस मलाई कैसी लगी आपको? रस मलाई अच्छी नहीं है, थोड़ी टाइट टाइट सी है ना, ताजी बोला था मैंने, उन्होंने ताजी दे दिया, ताजी करके है, फ्रेश बोला था देने के लिए। ओह माय गॉड, उसी की तरह मिलेगा ये। जा पैम्पलेट यहाँ पे ले लिया मैंने पैम्पलेट, अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या मिलता है, क्योंकि हमने ये फर्स्ट टाइम ही देखा है यहाँ पे, न्यू ओपन हुआ है। अब हम लोग चले गए थे, मुझी को याद आ गई फलूदा या आइसक्रीम, जो भी मिलती है वो खाएंगे, फलूदा या आइसक्रीम, देखते हैं यहाँ पे कैसी मिलती है। अगर फलूदा मिलती है तो हमारे शहर जैसी तो होगी नहीं यहाँ पे, उसके आसपास भी मिल जाए तो थोड़ा लगेगा हाँ भी हमने अच्छा खाया। वो जो वो रेड और ग्रीन वाली लाइट है ना, वो वाली बादाम शेक है वो, तो यही होता है यहाँ पे, फलूदा भी नहीं के पास ही होती है। इसने तो लिखा ही नहीं है फलूदा, उधर की तरफ है शायद फलूदा लिखा है। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कभी फलूदा ना लिखा हुआ हो, लेकिन नहीं, ये रहा फलूदा वाला, ये भैया यहाँ पे। अरे वो ले लेना फलूदा, क्या लेगी, एक सॉफ्टी ले ले, रात वाले की भी तो अच्छी थी, अच्छी थी उस दिन तो बहुत अच्छी थी फलूदा। भैया वहाँ का तो टेस्ट ही अलग होता है, ये यहाँ पे फलूदा में आइसक्रीम डालते हैं, मैंने आइसक्रीम ली, आइसक्रीम का भी टेस्ट अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं है। तोतिया हमने फलूदा ली नहीं क्योंकि हमें पता था यहाँ पे अच्छा नहीं मिलेगा, तो हमने सोचा पहले क्यों ना आइसक्रीम ही टेस्ट कर ली जाए, फलूदा की अच्छी थी। कितना सुनसान, 10 बज गए हैं यहाँ पे, इतना सुनसान हो जाता है, कोई कोई गाड़ी आती है 10 बजे, जब ये लोग उठे भी 5 बजे हैं, 5:30 बजे काम करने लग गए। मुश्किल से एक गाड़ी दिखाई दी है भाई, आगे है गाड़ी, लेकिन इतना सुनसान हो जाता है भाई, इनकी आधी रात हो जाती है। दूर दूर तक कोई नहीं, फालतू में सड़क पे धक्के खा के क्या करने हैं। रात के 10 बजे ये देखियो, बैरियर भी लगा दी है पुलिस वाले ने। प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें, थैंक यू, बाय बाय।